एडवेंचर है हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है ना। तो बंदे हम पूरे नौ धूम मचा देंगे गंगा मैया। लेबर उतरेगी, लेबर कैसे एक्टिंग करके आके नहाई है तो यहाँ आ गया रेत का तूफान। मतलब इतनी तो वेलकम बैक टू दी चैनल। हमेशा की तरह आज भी ना जो अपना वीडियो है ना एक नई जगह से शुरू होने वाला है। मतलब जैसे हमेशा से शुरू होता है किसी नई डेस्टिनेशन पे जाके, रास्ते का नहीं होता क्योंकि वही सेम रास्ता होता है जब भी सोनीपत से हम निकलते हैं उत्तराखंड की तरफ या हिमाचल की तरफ, तो थोड़ा सा रास्ता तो सेम ही होता है कहीं भी जाने के लिए। तो फाइनली चाय के साथ हम आज की शुरुआत होती है हमारे नए व्लॉग की। तो वेलकम बैक टू दी चैनल बियर बॉय अंकुर। अभी हैं हम हरिद्वार में और हम जा रहे हैं आज मतलब बड़ा एडवेंचर वाला ट्रिप करने। मतलब पहले तो जा रहे हैं हम राफ्टिंग करने, उसके बाद जा रहे हैं कनातल, जिसका मतलब जहाँ का जो वेदर है ना इतना ज़बरदस्त होता है, इतना ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे मई जून में टेम्परेचर होता है 42 और वहाँ होता है 15, मतलब इतना ज़बरदस्त है। तो चाय के साथ अपने व्लॉग की शुरुआत होती है, तो मिलते हैं फटाफट से आपको बाइक के ऊपर हरकी पौड़ी के पास। मतलब इतना रश है ना, इतना ज़बरदस्त रश है। वो इसलिए है परसों है मकर संक्रांति और गंगा का पानी देखो कितना मतलब बाव खोला हुआ है, तो पूरा प्रेशर से इधर ही आ रहा है। और हम जा रहे हैं गंगा मैया में राफ्टिंग करने ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे शिवपुरी। तो शिवपुरी से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है और ऋषिकेश पे ख़त्म होने वाली है। तो पूरा दिन बढ़िया वाला एडवेंचर होने वाला है आज। और ये भोले बाबा है ना, रात को बड़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त। गंगा का पानी यहाँ से इधर से कहीं आता है, कोई उधर से इधर आता है, तो मतलब ये ना ऐसे चलता ही रहता है। मतलब समझ ही नहीं आती गंगा जी यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है। मतलब कुछ पानी वहाँ से उधर खोला हुआ है, फिर उधर से इधर खोला हुआ है, घुमा फिर आके खोला हुआ है इन्होंने, मतलब समझ नहीं आता कुछ। और फाइनली हमने हरकी पौड़ी क्रॉस कर लिया और चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। मतलब मतलब क्या बताएं, आना देखो सबने यही है हरिद्वार, अभी नहीं, किसी ने अब आना है, किसी ने कल आना है, किसी ने परसों आना है, तो किसी के लिए अभी टाइम है, हमारे लिए अभी बहुत टाइम है। हमें गंगा मैया अभी नहीं बुला रही, हमने अभी बहुत सारे मज़े लेने हैं ज़िंदगी के। मतलब देखिए कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग बना रखी है सारी ये, मतलब बहुत अच्छा बना रखा है, देवभूमि है ये सारी पेंटिंग्स हैं जो मतलब इतनी अच्छी कारागरी कर रखी है, इतनी अच्छी। मतलब रात के हो ना इसके अंदर लाइटिंग भी जलती है तो ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं। वी आर ऑन दी वे टू शिवपुरी कैंप, मतलब अभी हम जा रहे हैं कैंप में, मतलब पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर बाकी है। अभी रुके थे चाय ब्रेक के लिए क्योंकि रात को 1:30 बजे हम चले थे और उसके बाद हम चले ही जा रहे हैं। आज का जो व्लॉग है ना मतलब इतना एडवेंचर होने वाला है ना, मैं तो चाहता हूँ आज ना जो हमारी बोट है ना वो पानी तो मैं पलट जानी चाहिए, तो कुछ नया सा एडवेंचर हो जाएगा है ना। तो देखते हैं क्या होता है, पर सब सेफ रहना चाहिए है ना, जो भगवान को ठीक लगे। और पूरी पहाड़ों के अंदर लीन होती जा रही है बाइक, ज़बरदस्त। ये देखो मतलब इतना खूबसूरत पेड़ है ना, पूरी वादियों के अंदर ऐसा पेड़ एक भी नहीं है, इकलौता और पर्पल कलर के फूल लगे हुए हैं, मतलब बड़ा स्पेशल पेड़ है ये। इसी को दिखाने के लिए मैं रोड से थोड़ा सा इधर आया हूँ और अभी वापस चलते हैं उस साइड। वो टाइम आ गया, अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। मतलब अपना कैमरा रेडी है, बोट अपनी आगे है, यहाँ से 300-400 मीटर दूर जाना है। क्या कर दी है, 300-400 मीटर जाना है, वहाँ देखते हैं उसके कैमरे, उसके हेलमेट पे लगाते हैं कैमरा या अपने हेलमेट पे लगाते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। तो वो पीछे राफ्ट खड़ी हुई है, यहाँ से राफ्ट हुई है हमारी 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग। तो चलो फटाफट एंजॉय करो हमारी राफ्टिंग, अब आज एडवेंचर होने वाला है बढ़िया बढ़िया। मतलब देखते हैं आज हमारे साथ क्या होता है। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए अपने पॉइंट पे जहाँ से राफ्टिंग होने वाली है शुरू। मतलब आज का एडवेंचर है हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है ना। तो बंदे हम पूरे नौ धूम मचा देंगे गंगा मैया में। तो बोल गंगे मैया की, बोल गंगे मैया की। तो
चलो अब कराते हैं आपको राफ्टिंग के मजे। आ जाओ भी लेबर कौन लेबर उतरे की लेबर कैसे कैसे बैठे हैं बैठे दिहाड़ी वाले हम आए हैं अभी अभी राफ्टिंग करके आके नहाई है तो यहाँ आ गया रेत का तूफान। मतलब इतनी जबरदस्त रेत उड़े जा रही है, पीछे दिख रहा होगा आपको इतनी तेज आवाज चल रही है पत्तों के पीछे ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। और अभी हम चल रहे हैं पीछे नीचे बीच पे। मतलब पहले भी मैं आया था, पिछली बार वीडियो नहीं बनाई थी जब मैं आया था पिछली बार, तो जब हम पिछली बार आए थे तो हमने वीडियो शूट नहीं किया था यहाँ पे। तो फाइनली आज आपको हवा का प्रेशर दिख रहा होगा मेरी दाढ़ी से, मतलब कैसी हवा चल रही है। पीछे आया वो रेत का तूफान और हम हैं बीच के ऊपर। मतलब ज़बरदस्त व्यू है, थोड़ा सा लेट हो गए हम। इसका जो अच्छा व्यू है ना वो कल सुबह आएगा, तो हम कल सुबह वाली वीडियो में आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ आया हुआ रेत का तूफान है ना, इस बंदा जो सामने खड़ा है ना इसको देख के ऐसा लग रहा है कुछ कांड करेगा। मतलब देखो ये ना बीड़ी जला रहा हो भाई साहब, मतलब इसको देख के ना इतने तूफान के अंदर ये पूरी बीड़ी जला रहा है। इसको देख के गाना याद आ रहा है, बीड़ी जलाई ले जिगर से भी आई, इसने तो तूफान में जलाई थी भाई साहब। इतना बढ़िया, तो बढ़िया क्या कह सकते हैं, मतलब इतना तेज़ तूफान था कि ये सारे जो तंबू वम्बू दिख रहे हैं ना आपको, मतलब जो भी जिस हम कैंप में रुके हुए हैं ये सारे कैंप ना नीचे गिरे पड़े हैं। देखो सारे, मतलब इस साइड भी देखो और इधर भी देखो, सारे नीचे गिरे पड़े हैं। मतलब रेत तो था ही सारा यहाँ पे, तो सारा का सारा उड़ गया। मतलब